बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर्रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम सब तीन बुनियादी मौजूदात हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू, पंजाब में नया बलदियाती निज़ाम लाए जाने की तैयारियाँ हैं, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। इस पेशी के बाद साबिक सदर सहाफ़ियों से कुछ बरहम दिखाई दी और नैब ने भी उनकी ज़मानत के हवाले से एक जवाब तैयार किया है। वो मुखालफत करते हैं इनकी मुस्तकिल ज़मानत के हवाले से और कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है क्योंकि ये तफ्तीश में पेशरफ नहीं हो पा रही है, ताबुन नहीं कर पा रहे। बहरहाल इन मौजूदात पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शाम साहब, वज़ीर आज़म ने जो इंटरव्यू दिया है एक सहाफ़ियों के वफ़द से, जो गैर मुल्की सहाफ़ी थे, मुख्तलिफ इदारों को रिप्रेजेंट करते थे, बड़ी अहमियत का हामिल इंटरव्यू थल से बिजली पैदा होनी चाहिए। वो मौजूद भी हमने रखा हुआ है, बिलावल की तकरीर थी और मुराद अली शाह साहब की तकरीर, और आज 10 अप्रैल है। 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर हमारा मंजूर हुआ था, उसका भी जिक्र करना बिल्कुल। और बिलावल ने भी आज इस बाबत इजहार ख्याल किया अपनी तकरीर के दौरान। भारत वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो गैर मुल्की हैं, उनमें पाक भारत ताल्लुकात और मुल्क में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग है, मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल है, इन तीन मौजूदात पर बुनियादी तौर पर उन्होंने इजहार ख्याल किया है। सबसे पहले तो वो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर इंतखाबात जीते हैं, और उनको उम्मीद है कि वो जीतें, तो फिर जो तस्फिया तलब मामलात हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो हल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उनके मुताबिक राइट विंग की पार्टी है जिस पर प्रेशर नहीं होता, और उसी के दौर में हमने देखा माजी में भी कि मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ा। इसके बरक्स वो समय थे कांग्रेस अगर इख्तियार में आती है तो फिर राइट विंगर्स का प्रेशर उस पर चला जाता है और वो पेशरफ्त करने से कासिर रहती है। एक तो ये बात है जिसपे मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, माजी को भी अगर हम खंगालें तो। लेकिन शामी साहब, ये बात बीजेपी की हद तक तो बज़ाहिर दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक करेक्टर का नाम है, एक कॉन्सेप्ट का नाम, एक नज़रिए का नाम भारत में बन चुका है, जिसने नफ़रत, मुसलमानों के खिलाफ फसाद और मुसलमानों को कत्ल वगारत उसकी शोहरत रही है, बल्कि उसकी वजह बदनामी रही है। तो अब उससे खैर की तवक्को कैसे वज़ीर आज़म ने बांध ली? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म जो है ना भारत का, वो भारत के वोटर्स को मुंतखब करना है, पाकिस्तान के वोटर्स को मुंतखब नहीं करना। जो भी शख्स वहाँ से वोट लेके आएगा उससे डील करना पड़ेगा। मगर ये बज़ाहर तो ये बात ऐसी लगती है कि इस पर तनकीद करने को जी चाहता है, लेकिन अगर आप तारीख़ में झांकें तो फिर कोई ये तवक्को जो है को बहुत बड़ी क्यास नहीं है। आप देखें, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही वो ये है कि जब एक सॉफ्ट हुकूमत होती है, यानी कांग्रेस जो है ज़ाहिर है वो एक सेकुलर पॉलिटिक्स पे यकीन रखती है और उस पर दबाव डालते हैं इंतहा पसंद बाजू और उसको काम नहीं करने देते। तो जब ये इंतहा पसंद आते हैं इख्तदार में तो फिर इन पर, क्योंकि दबाव कांग्रेस का दबाव तो उस तरह नहीं होगा ताल्लुकात को बेहतर बनाने में, इसलिए फिर ये बेहतर ये पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के बारे में, यानी इंडिया में एक तसव्वुर है कि यहाँ फौजी हुकूमत अगर आए तो उससे मामला करना आसान होगा, क्योंकि फौज का दबाव होता है, और ऐसी हुकूमत आए जो फौज जिसके साथ मुकम्मल तौर पर, यानी एक ताउन कर रही हो या एक उसके एक ही पेज पर हो। नहीं, अब तो कहा जा रहा है ना, अब तो उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज एक दूसरे के बहुत करीब है। देखिए, वज़ीर आज़म ने खुद इस बात का, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब वाजपेयी जी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और बीजेपी के वज़ीर आज़म थे वो, आप अक्सर प्रोग्राम में उस वाक़े को, इंडिया से पाकिस्तान आए बस के जरिए दोस्ती का पैगाम लेकर आए, तो यहाँ जो है फौज, हमारी जो फौजी क़यादत थी उसने उस वक्त उस तरह का तआवुन नहीं किया, और वापस जब वो गए तो कारगिल की जंग चढ़ गई, जिसको उन्होंने विश्वासघात कहा, यानी एतमाद जो था उसको जख्म कर दिया गया। तो अब ये जो मोदी साहब है, जो हम बदाहर हम बड़े इंतहा पसंद हैं, लेकिन आप ज़रा इस पर याद कर लें कि मोदी साहब अफगानिस्तान से भारत जाते हुए अचानक लाहौर पहुंचे थे और नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की थी जाती उम्रा में जाके उन्होंने। लेकिन क्या उस पेशरफ्त के हवाले से मुतल्लिका तमाम तर कुवतों को एतमाद में लिया गया था? मुझे कुवतों का पता नहीं, आप असल में वज़ीर आज़म जो है ना, हम वज़ीर आज़म क्योंकि मुल्क का मुंतखब नुमाइंदा होता है और सरबरा होता है,
मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मोदी ने ये पेशरफ्त की, पेशकदमी की, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की और यहाँ उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद शुरू हो गई। नारे लगने लगे जो मोदी का यार है वो गद्दार है, और वो नारे लगाने वाले अपने भी थे और गैर भी थे। चले तो करें अब ये, इसका मतलब ये है कि कोई कोई तवक्को बांधी जा सकती है। और जब परवेज मुशर्रफ साहब जो कारगिल की जंग जिन्होंने छेड़ी, उसके बाद वाजपेयी आगरा गए, वो वाजपेयी से पर मामला होते होते रह गया, और फिर नेपाल में सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं, वो तो फिर चल कर गए थे, उनके पास चल के गए हाथ मिलाने के, और वो जनाब उसके ऊपर बड़ी दाद मिली। तो ये तारीख के वाकयात हैं, यह हर जगह सियासत होती है। और जो इमरान खान साहब ये तवक्को बांध रहे हैं, तवक्को हो सकता है कि ऐसा हो जाए, और अगर मोदी इख्तदार संभालते हैं तो उनसे कोई बामानी जो मुदाकरात हैं उनकी दाग बेल डाली जा सके। ये क्योंकि अब कल मरहलावार जो इंतखाबात हो रहे हैं भारत में, कल से उनका आगाज़ हो रहा है, 7 मरहलों में होगा, लेकिन कल हम तफसील से प्रोग्राम में जो भारतीय इंतखाबात उनका जायजा लेंगे, क्या पोजीशन बनती है भारतीय इंतखाबात की। तो बात यह है कि कई मरहलों में इंतखाब होगा, 7 मरहले, और फिर उनके उनकी गिनती जो है कई हफ्तों के बाद होगी, 23 मई को। और अगर पाकिस्तान में एक दिन भी क्या एक घंटा भी गिनती लेट हो जाए तो उसके बाद क्या क्या हंगामा होता है, या क्या क्या अल्जाम। अच्छा, लेकिन अब मैं समेटूं वज़ीर आज़म के इंटरव्यू को। एक तो वो ये भी मानते हैं कि मोदी साहब ने नेतन्याहू की तरह जो कौम परस्ती और खौफ है उसको परवान चढ़ाया, और फिर जो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें थीं उनका बड़ी तफसील से उन्होंने जिक्र किया कि इसमें हमें फ़ौज की भरपूर हिमायत हासिल है और मुसल्ला ग्रोहों को किसी सूरत मुल्क में नहीं रहने देंगे। और मदारिस की सिलसिले में जो असलाहत की हैं गवर्नमेंट ने, उस बारे में उन्होंने एक नई बात बताई कि 2 लाख से ज़ायद असातिज़ा ऐसे हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ मदारिस में भेजेंगे, जो अंग्रेज़ी, ब्रियाज़ी और इस जैसे जो जदीद सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाएंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और फ़ौज एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक पेज पर हैं। मदारिस को, मदारिस में जो लोग इस वक्त पढ़ा रहे हैं उनको भी कोई पुरसाने हाल हो, उनको भी कोई माकूल तनख्वाहें मिलें, वो भी करके देखें। और अगर इतने 2 लाख का साथीदार मौजूद हैं वेल ट्रेंड, तो उनसे भी इस्तेफादा करना चाहिए। लेकिन असल बात यह कि जो अफगानिस्तान का क्या जंग है, अफगानिस्तान की जंग के कुछ असरात हुए हैं, यहाँ से लोग उसमें शरीक हुए हैं और उसकी वजह से ये हमारे ग्रोह बाद मुनज़्ज़म हुए हैं। एक इसी सिलसिले में उनकी एक स्टेटमेंट है जो बहरहाल उसका मफहूम कुछ ये है कि वो 80s में जो मामला हुआ था वो उस वक्त जो मुख्तदर कुव्वतें थीं उनकी वजह से कुछ तंजीमें जो बनी थीं, ये वो कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब हमें इन ग्रुप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ग्रुप्स थे, वो भी को बुनियादी तौर पर जो अफगानिस्तान का जहाद है वो पाकिस्तानी ग्रुपों ने नहीं लड़ा, वो अफगानों ने लड़ा, अफगान मुजाहिदीन ने, और पूरी दुनिया जो है उसने उनको सपोर्ट किया है। अमरीका उनकी सपोर्ट पे, चाइना उनकी सपोर्ट पे, मिस्र उनकी सपोर्ट पे, सऊदी अरब उनकी सपोर्ट पे, तो पूरी आज़ाद दुनिया जो थी सोवियत यूनियन को वहाँ नाकों चने चबवाना चाहती थी, जो चबवा दिए गए। उसके बाद असरात हुए हमारे यहाँ जो लूज़ हुआ है काम, और फिर बाज़ दोस्तों ने समझा कि भाई इसी तरीके से हम कश्मीर को भी आज़ाद करा सकते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन से आज़ाद कराया गया, और वहाँ फिर मामला शुरू हो गया। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं इनको रोकना होगा, और आप ये हिकमत अमली जो हर वक्त जो है एक हिकमत अमली आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक मुख्तलिफ आपकी जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। एक ज़माना था कि जो ग़ुलाम कौमें थीं वो मुसल्ला जद्दोजहद उनकी उनको सपोर्ट हासिल थी, UNO का चार्टर भी उसको सपोर्ट करता, तो कश्मीरियों की जद्दोजहद जो थी मुसल्ला जद्दोजहद वो भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती थी। और लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो दहशतगर्दी जो है उसकी उसकी तारीफ इतनी फैला दी गई है तो उसके लिए भी खतरात पैदा हो गए हैं। तो बदले हुए हालात में सारी चीज़ें असर नौ गौर करना चाहिए, और हमें देखिए मामलात को आगे बढ़ाना है। और मोदी साहब, लेकिन मोदी साहब जो उनका प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह वो कश्मीर में इस वक्त लगे हुए हैं और जो आर्टिकल 370 है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो कि नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान की एक अलहाकी रियासत। आप आज देखें कि आज कुछ जर्नलिस्ट ने कुछ ट्वीट्स किए हुए थे कि अगर आप श्रीनगर हाईवे पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वो ऐसी एक यानी समझे छौनी का मंजर है मकबूजाबादी, तो वहाँ पर जो ट्रैवल करना चाहता है उसके हाथ पे पहले मोहर लगेगी, वहाँ पे मुतल्लिका अफसर लिखेगा कि इसे इजाज़त है कि ये शाहरा पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो सूरत हाल है मकबूजाबादी। मुफ्ती हैं फारूक अब्दुल्ला, यासीन मलिक साहब को आज उन्होंने धर लिया है इंडिया के साथ
खुद अलहाक के मुखालिफ नहीं थे और खुद मुख्तारी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी ये कहते हैं कि अगर आपने 370 को छेड़ा, इंडिया और कश्मीर के ताल्लुकात को आपने छेड़ा दस्तूरी तौर पर, तो फिर हम आजादी का ऐलान करेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये एक मोदी साहब एक बड़े एक तलवार की धार पे चल रहे हैं, ये भी हमें समझना, कल इस पर मजीद गौर करेंगे। सर आ जाते हैं अब दूसरा अहम मौजू, पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम आ रहा है और चंद रोज़ पहले राजा बिशारत साहब सूबाई वज़ीर कानून मिले थे वज़ीर आज़म को, जाके इस्लामाबाद में उन्होंने नए बल्दियाती कानून के हवाले से जो मुजवजा बिल है उस पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म आए हुए थे यहाँ पर, उनको दोबारा उस पर ब्रीफ किया गया और आज फिर हमने देखा राजा बिशारत और मियाँ असलम इकबाल साहब दोनों सीनियर मिनिस्टर्स हैं पंजाब कैबिनेट में, उन्होंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया जा रहा है कि अब ये मुजवजा जो बिल है जल्द काबीना में पेश किया जाएगा, फिर इसकी मंजूरी ली जाएगी असम्बली से और बजट सेशन से पहले पहले से मुतारिफ करवा दिया जाएगा। कोशिश होगी कि एक साल के अंदर अंदर नए बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं और फिर जब हो जाएंगे तो पुराने जो बल्दियाती इदारे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये खुशखबरी भी है, अच्छी बात भी, क्योंकि पीटीआई की तो ये मंशूर का हिस्सा था बल्दियाती इंतखाबात और ग्रास रूट लेवल तक पावर को ले जाना, लेकिन इस नए निज़ाम में है क्या और ये पुराने निज़ाम से कैसे मुख्तलिफ है, इस पर अब हमने गौर करना है। इस पहली बात तो ये देखिए कि ये जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी एक बड़ी बुनियादी अहमियत है जमहूरियत में। जब अंग्रेज़ों ने इंडिया को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया 1857 की जंग के बाद, तो मेरे ख्याल 1864 में या 67 में बल्दियाती अदारे कायम कर दिए, पहला काम ये किया उन्होंने। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब मार्शल ला आता है तो उन अदारों के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती है और जब हुकूमत जमहूरी आती है तो वो अदारे नज़रअंदाज हो जाते भूल जाते हैं। ठीक है, ये उनके बगैर अगर आप लोकल सतह पर मुकामी सतह पर अपना इंतजाम नहीं कर सकते, अपने स्कूल नहीं चला सकते, अपनी सड़कें ठीक नहीं कर सकते, अपने बागात ठीक नहीं कर सकते, लोकल गलियां नहीं ठीक कर सकते, तो फिर आप इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलाएंगे। और ये एक अनफॉर्चुनेट, अगर पहले या तो बल्दियाती अदारे बनते नहीं हैं, बने तो उनको इख्तियार दिए जाते। अब पीटीआई जो है उसने खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तियार निचली सतह पे काफ़ी मुंतकिल किए हैं और यहाँ भी उनका वादा है कि हम ऐसा करेंगे। अब वो कैसा करेंगे उसके लिए हमने जहमत दी है जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब को। आप सूबाई वज़ीर सनत तजारत सरमायाकारी और फ़नी तलीम हैं और चूँकि आज इस मौजू पर ये राजा बिशारत साहब के हमरा बैठ के तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्हें जाना थे। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम नुक्ता नज़र के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बता दें ये जो नया बल्दियाती निज़ाम है जो मुजवजा बिल है उसके क्या खिदोखाल हैं, वो पुराने से कैसे मुख्तलिफ होगा, चीदा चीदा निकात अगर हम डिस्कस करें ताकि नाज़रीन को पता चल सके कि आने वाले निज़ाम में है क्या और ये क्या फौरी तौर पर दूसरे अदारे ख़त्म हो जाएंगे जिस वक्त अदारे मौजूद हैं। जी मैं अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आज के दिन का ये अहम टॉपिक है जो आपने टेकअप किया है, ये बल्दियाती निज़ाम पिछले निज़ाम से किस तरह से मुख्तलिफ है इसके ऊपर हम ज़रा बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर ये निज़ाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और जो एक्ट बिल की बात हो रही है वो दो बिल होंगे, एक बिल नहीं होगा। एक बिल क्या होगा, वो जो हमारी विलेज काउंसिल है और नेबरहुड काउंसिल है जो कि गैर जमाती बुनियाद पर, और नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल इसका अलग एक्ट होगा, यानी ये रूरल एरिया, ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए। अच्छा। यानी विलेज काउंसिल तो चली जाएगी ना उधर देहाती इलाकों में, जैसे लाहौर के भी सराउंडिंग में कुछ देहाती एरिया और नेबरहुड शहरों के अंदर होगी और आबादी के लिहाज से ये वेरी करेगी डिफरेंट ना, किसी जगह पर जिस आबादी है यानी ये बुनियादी यूनिट होगा उसका, ये बुनियादी यूनिट होगा। यूनियन काउंसिल को रिप्लेस कर देगा ये? जी, यूनियन काउंसिल खत्म कर दी गई है। अच्छा। और बेसिकली आगे तीन टीयर थे, एक यूनियन काउंसिल थी, एक टाउन था, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, अब सिर्फ दो टीयर रह गए, दरमियान से एक टीयर टाउन का खत्म काउंसिल हो गई और दूसरी मैर्ज करता हूँ। पहले तीन टीयर थे, यूनियन काउंसिल, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। अब नीचे जो यूनियन काउंसिल है उसको रिप्लेस कर दिया नेबरहुड काउंसिल ने और विलेज काउंसिल ने, टाउन दरमियान से खत्म कर दिया गया और ऊपर जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट का वो रहा, लेकिन उसमें भी बुनियादी तौर पे सो एक बिल जो एक्ट है वो आ रहा है नेबरहुड और विलेज काउंसिल का, ये अलग है, ये गैर जमाती बुनियादों पर होगा। अच्छा। ये जेन में रखा जाए और इसमें जो मेंबर्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक, इसमें जो पहले मैक्सिमम वोट लेगा जिस तरह पहले भी था 2001 में, उनमें से पहली वो चुन लिया जाएंगे, नंबर एक, नंबर तीन, इस तरह मुंतखब बनेगी ना जी। हाँ जी, नहीं सर नहीं,
जो लेट्स से हम तीन हैं, पांच बंदे हैं और तीन ने इलेक्ट होना है, पांचों में से तीन जो ज्यादा वोट लेगा वो मुंतखब हो जाएगा, ठीक हो गया, फर्स्ट पहले जो ठीक हो गया, हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा आ जाए, इससे मतलब पार्टी बाजी भी नहीं होगी, पार्टी बाजी भी नहीं होगी और नॉन पार्टी इलेक्शन। और अच्छा, इसके साथ में इसको बताया, यहां पर हम इसको तकरीबन को 42 अरब रुपया सालाना इनको देंगे, वो पॉपुलेशन के लिहाज से हमने निकाला सर के 423 रुपये पर ईयर एक बंदे का उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैसे आएंगे, 423 रुपये हर शख्स, जो आबादी है, जो आबादी, आबादी के एतबार से 423 रुपये पर पर्सन सालाना आप देंगे, हम देंगे। फर्ज करें किसी के 10,000 है तो करके तो उसका जितना भी निकल आएगा 423, वो उनमें से बुनियादी सहूलतें वो फराम करें जी बुनियादी, ये तो हो गया वो वाला। अब इसका दूसरा टीयर ऊपर आ जाए, दूसरा टीयर इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ी चेंज है, वो है डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक, के जो नाजम है या जिसे हम लॉर्ड मेयर कहेंगे, लाहौर का लॉर्ड मेयर, तो हम इसको डिवीजन लेवल पे ले गए और नॉन डिवीजन में ये होगा, सर डिवीजन का मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा, ठीक है, और बाकी तहसीलों का भी उसी तरह रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि तमाम ऊपर वाली टीयर का जो इलेक्शन है वो बराह रास्त होगा, वो एक पूरा पैनल बनाएगा, जैसे लाहौर में वो पार्टी पे होगा। लेट्स से लाहौर में अगर बनना है तो लाहौर का जो लॉर्ड मेयर है वो अपनी टीम चुनेगा, टीम चुनने के बाद उसमें रखेगा टेक्नोक्रेट भी रखेगा, वुमन भी रखेगा, माइनॉरिटी भी रखेगा, लेबर भी रखेगा, उसका 58 मेंबर्स होंगे, उन 58 मेंबर्स को वो अनाउंस करेगा अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से, इसी तरह ए पार्टी बी सी जिसने भी करना, कोई इंडिपेंडेंट भी उसमें आना चाहे तो वो पूरा अपना पैनल बना के उसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, एक पैनल का एक वोट होगा, फिर एक पैनल का एक वोट होगा, यानी हर शख्स जो है यानी जितने हैं वो अपना वोट एक पैनल को वोट देंगे, एक पैनल को वोट, हाँ अलिफ के दे दे, हाँ बे के दे, हाँ बे के दे, ताकि फिर वो जब कोई जीते तो पूरे अच्छे तरीके से काम करें। और एक और मेजर चीज, कड़मास नहीं मचेगा, कड़मास नहीं मचेगा। और सबसे बड़ी बात सर, इलेक्शन होने के बाद, सर नहीं सर, इलेक्शन होने के बाद जो सबसे उसके बाद मेला मवेशियां लगता है ना, वो लगना बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। हाँ, उस पे होता है कि कौंसल पकड़ लो, कौंसलर ले और ये कर लो, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, पैनल के जरिए आएगा, ठीक है। उससे बड़ी बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम 30% हमारा ADP का वो डायरेक्ट इनको मिलेगा, यानी आप अपनी जो पंजाब का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अलग है, इनका बजट अलग है, इनका बजट तो हम दे रहे हैं, जो हमारा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उनको भी उधर से जाएगा, उनको भी उधर से जाएगा, लेकिन इनको हम अपने बजट का 30% हिस्सा डायरेक्ट इन जितने भी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे उनको देंगे, आप उनको देंगे, और उनको तो अलहदा जो मैंने आपको फिगर बताई है 42 अरब रुपया 423 रुपये पर पर्सन के लिहाज से उस मतलब एक ब्रेक ले लूँ, एक तो 42 अरब रुपया नीचे तक जाएगा, फिर ऊपर से ये 30% अब जो एनुअल डेवलपमेंट फंड है उसमें से भी इनको देंगे, तो मियां साहब तोड़ा की बनेगा फिर को बात नहीं देखें। अच्छा मैं एक ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ये सवाल बाद में उठाते हैं आपसे, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पंजाब में नए बलदियाती निज़ाम के हवाले से, मियाँ इस्लाम इकबाल साहब ने इसके बुनियादी जो निकात हैं वो आप तक उन्होंने शेयर किए, लेकिन सवाल ये था कि अगर आप इतना बाइख्तियार कर देंगे बलदियाती इदारों को तो फिर आपका क्या बनेगा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी उनके उनके इख्तियार क्या होंगे लोकल जो अदारे हैं उनके। देखें शमी साहब, जो हमारे अदारे जो हम चाह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट जब बनेगी उस लोकल गवर्नमेंट के अंदर तमाम जितने भी इदारे हैं, चाहे वो LDA है, चाहे PHA है, चाहे रेस्क्यू है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, हम सबको डिवॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक, हम डिवॉल्व करके इनके हवाले करना चाह रहे हैं मुकामी, ताकि मुकाम ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इनको मजबूत किया जाए। अब जो दूसरा सवाल आपका था कि आपका क्या बनेगा, गुजारिश ये है कि एक MPA का या MNA का कोई काम नहीं है गलियां और नालियां बनाना, मैं तो शुरू से कहता हूँ, लेकिन ये एक मजबूरी है
कि जब वो अदारे फाल नहीं होते तो फिर हमें काम करना पड़ता है। सो अगर हम उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, अब देखिए केपीके के अंदर क्या हुआ कि आपने वहाँ पर ये वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपने लगाया, उसका पहला जो टीयर था जिसे विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल कहते हैं, उस कौंसिल ने, मैं समझता हूँ कि इतने के उसके फवायद थे कि केपीके के अंदर आपने मेजर वहाँ पर मेजोरिटी ली और आपने रिपीट भी किया। सो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर सियासी काम नहीं होगा, यहाँ पर फंड प्रॉपर आएंगे, फंड्स की यूटिलाइजेशन बेहतर अंदाज में होगी और जो मेरी लोकल प्रॉब्लम है उसको मैं फिक्स कर सकूंगा। सब ये तो है आने वाला निज़ाम जो कि एक साल तक उम्मीद है कि आ जाएगा, उससे पहले जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो भी तो मफलूज होकर रह गया ना। अब मैं एक रिपोर्ट पा रहा था कि अरबों का नुकसान हो गया, इदारे मफलूज हैं क्योंकि आपने तरक्याती कामों की इजाज़त नहीं दे रखी उन इदारों को, और नतीजतन मनसूबे जो हैं वो अपहेल्ड हैं, कुछ हो ही नहीं रहा उन पर, दो प्रैक्टिकली मफलूज हैं, उसको तो चालू रहने देना उस वक्त। दो चीज़ें, पहली बात है मफलूज है, मफलूज इन्होंने खुद किया, इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे तमाम को तो कंपनियां बना के वहाँ पे सरबराहान बना गए, एजुकेशन की इन्होंने कंपनी बना दी, उसका सीईओ लगा दिया, हेल्थ की बना दी इन्होंने, सॉलिड वेस्ट जो कि बुनियादी फंक्शन होता है किसी भी लोकल गवर्नमेंट का वो भी इन्होंने उनसे ले लिया, एलडीए का चेयरमैन। अब सीएम को क्या हवस है कि वो एलडीए का ही चेयरमैन बनना चाहता है, क्या हवस है, वो क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट के पास होता जिससे 2001 में था, फिर 2001 के बाद 2009 तक ये चला, 2009 के बाद असेंबली में स्पेशल अमेंडमेंट लाई गई कि इसका चेयरमैन सीएम होगा, क्या हवस है, इसलिए फिर नाजम हुआ, फिर दोबारा चेयरमैन, सो सीएम हो गए जी, मियां उमर महमूद साहब वो थे चेयरमैन, वो पहले चेयरमैन थे, उसका फिर चीफ मिनिस्टर ने ले लिया वो, तो सारे अदारे थे उन्होंने निकाल के उनकी कंपनियां बना के, तो ये तो बिल्कुल आप समझे कि अभी अभी जो मेयर साहब हैं वो सिवाय प्रोटोकॉल के और कोई काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपने जो मफलूज होने की बात की है वो ये है कि जितनी ऑन गोइंग स्कीम इन्होंने शुरू की हुई थी वो तमाम ऑन गोइंग स्कीम मेरे इलाके में भी हैं, दूसरे इलाकों में भी हैं, उनको फंड भी दिया जा रहा है, उनको किया भी जा रहा है, क्योंकि आधा काम हो गया तो आधा रह गया तो उसके लिए फंडिंग तो करनी है। अब जो मौजूदा मेयर साहब हैं वो इख्तियारात वो मांग रहे हैं जो उनको कभी भी नहीं मिले, और वो कहते हैं वो इख्तियारात हमें दे दें, तो वो तो भाई असेंबली ने पास करना तो मैंने देने हैं, वो उस वक्त बात करते कि जब उनसे वो इख्तियारात छीन के सीएम ले रहा था या दूसरी कंपनियों को दे रहा था, तो ये चीज़। अच्छा, मगर ये बताइए कि ये जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए कोई कमीशन कायम होगा या आपने परसेंटेज तय कर दी हमेशा के लिए? ये देखें सर, इसमें यह है कि जो हमारा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसके तहत ही चीज़ें नीचे आनी है, और वहाँ पर हमने जो ये जो 42 अरब रुपए की हम बात कर रहे हैं तो हमने उसकी एक अमाउंट निकाल के रखी है कि इतनी अमाउंट जो है हम नीचे आके देंगे ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग अपने कार से, इसी तरह 30% जो है वो हम ऊपर अमाउंट देंगे। आपके आपके एक वोटर और सपोर्टर ने मैसेज किया कि मियां साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे दिल जीत लिया उन्होंने, लेकिन उनसे गुजारिश करें कि क्या ये वैसे ऐसा अमल दरामद यकीनी हो पाएगा इसका? अच्छा, एक सर मैं चीज अर्ज करूँ, देखिए लेके जाना है, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सर कोई बंदा जिसके पास इख्तियार आ जाते हैं कोई बंदा अपने इख्तियार नहीं छोड़ना चाहता, ये पहली गवर्नमेंट होगी जो अपने इख्तियार छोड़ने जा रही है और निचली सतह तक देने जा रही है, ये बाजर कोई एमपीए एमएनए अपने फंड किसी दूसरे बंदे को नहीं देना चाह रहा, हम अपने फंड नीचे देने जा रहे हैं सर, हम करने जा रहे हैं और प्रैक्टिकली हमने केपीके के अंदर इसको करके दिखाया था ऑल द बेस्ट, और उसको ही हम यहाँ कर रहे हैं लेकिन एक चेंज के साथ के यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन। ऑल द बेस्ट, नए ख्वाहिश आते हैं क्योंकि अच्छा मनसूबा है आवाम की फलाह महबूद इससे मकसूद है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, तफसील से इस पर बात की, आप से फिर इंशाल्लाह बात होगी। शामी साहब आप आ जाते हैं ज़रा इस मामले को समेटना, अगर चाहते हैं आप तो समेट लें वरना मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे समेटना इसको क्या समेटेंगे तो देर लगे अभी, और यानी अभी तो देखें ना कहते जो पुडिंग का मज़ा तो उसे खाने में है चले देखेंगे जब। अच्छा सर, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है इसमें 29 अप्रैल तक आसिफ अली जरदारी और बीबी फ़रियाल तालपुर की ज़मानत तो तोसी हो चुकी, लेकिन नैब ने अब एक जवाब तैयार किया जिसमें वो ये कहते हैं कि हम मुस्तकिल ज़मानत की मुखालफत करेंगे क्योंकि तफ्तीश में तआवुन नहीं किया जा रहा इसलिए गिरफ्तारी ज़रूरी है, तो गिरफ्तारी के लिए बेताब है नैब। तो आमिर सैद अब्बासी साहब चूँकि कोर्ट में मौजूद थे उनसे ज़रदस्त बात कर लेते हैं। आमिर, सबसे पहले तो ये बता दें कि साबिक सदर जब भी ऐसी पेशे के बाद बाहर निकलते हैं तो बड़े खुशगवार मूड में बल्कि बसाव का शायराना मूड में सहाफ़ी से बात करते हैं, आज कुछ उलझ पड़े इस तरह तो होता है इस तरह नहीं, आज उलझ पड़े हैं तो वो पहले पूछ लेना क्या बना, क्या अंदर बहुत सख्त सवालात हुए हैं?
जी जामी साहब, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डायरेक्ट तो कोई सवालात नहीं हुए क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब तो निशस्त पर बैठते हैं और उनके जो वकला हैं फारूक केश नायक और सरदार लतीफ खोसा वही मुकालमा करते हैं फाजिल जजेस के साथ। लेकिन आज क्योंकि जब आसिफ अली जरदारी कोर्ट रूम के अंदर आ रहे थे तो उस दौरान भी क्योंकि हमारा एक जिस तरह जर्नलिस्ट करते हैं मोबाइल पे बात करने की कोशिश करते हैं, इसी दौरान उनसे बात करने की कोशिश की गई तो बिल्कुल उनके चेहरे के करीब जाकर उनसे जब सवालात हो रहे थे तो इस पे उन्होंने मोबाइल ले लिया एक सहाफी से और कहा कि इसको बंद कर दें, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। इस दौरान थोड़ा सा हार्श टॉक हुई और जिसकी वजह से आसिफ जरदारी साहब का मूड खराब हुआ। आमतौर पर वो खुशगवार मूड में ही आते हैं लेकिन वो जब मुस्कुरा भी रहे हों तो उनमें वो बहुत ज्यादा लगता है ऐसे है कि वो खुशगवार मूड में है लेकिन वो गुस्से में होते हैं। हमने देखा ये बताएं कि खबर आई थी कि दो खवातीन इस केस में जो हैं वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, फिर खबर आई कि उनमें से एक ने इनकार कर दिया, ये क्या कहानी है और ये केस अब खड़ा कहाँ पे है, ये मतलब है क्या? जामी साहब, इतनी बड़ी तादाद है मुलजिमान की इन केसेस में कि उनमें से निस्फ से ज्यादा जो है वो राजी हैं कि हमें वादा माफ गवाह बनाएं, हमें मुलजिमान की फहरिस्त से निकालें, क्योंकि उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़े फायदे तो नहीं लिए और सिर्फ वो अपनी ड्यूटी करते थे। जैसे ओमनी ग्रुप के कुछ मुलाजमीन हैं, उनका कहना है कि हमारी 20 से 25 हजार तनख्वाह थी और हम इन मुकदमात में फंस गए हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका ये कहना है कि हमें तो सिर्फ ऑर्डर मिलता था, हम तो अपना काम करते थे, लिहाजा वो तैयार हैं। किरण और नौरीन नामी दो बैंक ऑफिसर्स हैं, उन्होंने गुज़श्ता दो रोज कबल जब एहतसाब अदालत में समाअत हो रही थी तो उन्होंने अदालत के अंदर खड़े होकर कहा कि हम तो मुलजमान की फहरिस्त में हमें गलत डाला गया है, हम निजी बैंकों की ऑफिसर्स हैं, मैनेजर थी और हमने तो जो बैंक अकाउंट्स के ओपनिंग के लिए फॉर्म आए थे हमने कवायद पूरे करने के बाद बैंक अकाउंट्स खोले, हमें नहीं पता था कि जाली अकाउंट्स हैं और इनको कौन ऑपरेट कर रहा है। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने चेयरमैन नैब को एप्लीकेशन दी है कि हम वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, जिस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर से उन्होंने कहा कि हम इस बात का जायजा लेंगे क्योंकि जो तफ्तीशी एजेंसी होती है उसने तायुन करना होता है, क्योंकि किसी मेजर जो मुलजिम होता है जिसका मेजर रोल हो कभी वो वादा माफ गवाह नहीं बन सकता, लिहाजा ये बात। लेकिन इसको हाइप कितनी मिली इसलिए वाजे होगी ना बात कि वो उनका रोल क्या था। अच्छा आमिर, एक और बात क्लियर करें, ये भी 3 से 4 रेफरेंसेज इसी बाबत हुए हैं फाइल नैब की जानिब से, उनमें बराह रास्त जरदारी साहब पे कोई रेफरेंस फाइल हुआ है या जरदारी साहब अभी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस को ही भुगत रहे हैं? जी, 4 रेफरेंसेज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालतों में पहुंच चुके हैं। एक रेफरेंस जो पहले बैंकिंग कोर्ट का मुकदमा था वो नैब ने टेक ओवर किया और उसको इस्लामाबाद शिफ्ट किया एहतसाब अदालत में, वो पहला रेफरेंस है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब फरियाल तालपुर समेत 30 मुलजमान हैं जो पहले JIT ने और FIA ने फाइल किया था, लिहाजा नैब ने उसके बाद 3 रेफरेंसेज फाइल किए हैं। जो सबसे पहला है वो जमीनों की गैरकानूनी अलॉटमेंट का है, उसमें आसिफ जरदारी का नाम नहीं है। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो पिंक रेजिडेंसी का है, वो भी उसमें आफ्ताब मेमन है जो सेक्रेटरी लैंड थे और दीगर उसमें मुलजमान है, उसमें आसिफ जरदारी का नाम नहीं है। जो 3रा रेफरेंस है उसमें भी आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं है, वो वाटर सप्लाई स्कीमों का रेफरेंस है जिसमें कहा गया है। लेकिन इन तमाम रेफरेंसेज में नैब हुकाम ये बताते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त हैं, जिस तरह पहले रेफरेंस में जो जमीनों की अलॉटमेंट का है उसमें जो पैरथनॉन कंपनी थी मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी की पार्कलैंड कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करती थी, उसके जो डायरेक्टर हैं यूनुस कुदवाई वो मुलजिम है। इस तरह दूसरा जो केस है उसमें आफ्ताब मेमन है, उनके बारे में बताया जाता है कि वो आसिफ जरदारी के करीबी जो रफका है उनमें से है। लिहाजा अभी तक बराह रास्त आसिफ जरदारी का किसी जो 3 रेफरेंस नैब ने दायर किए हैं उनमें नाम नहीं है। ताहम जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस कराची की बैंकिंग कोर्ट से शिफ्ट हुआ है, पहला रेफरेंस उसमें आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर और अब लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब नैब का जवाब तैयार है, आपने खबर आज दी थी जिसमें वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जरूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, नैब ने जो जवाब तैयार किया है आज उन्होंने जमा करवाना था लेकिन वो जमा नहीं करवाया, उन्होंने कहा कि हम जुमे तक जमा करवा देंगे, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी की जो बेल थी उसमें तोसी हुई, जमानत में तोसी हो गई। उसमें क्योंकि 5 केसेस हैं, 5 दरखास्तें हैं जो आसिफ अली जरदारी ने जमानत के लिए रजू किया है, 4 आसिफ जरदारी की है, 1 फरियाल तालपुर की है, उन चारों केसेस में नैब का ये मौकफ है कि हमें आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करना है, हमें आसिफ जरदारी की हिरासत चाहिए क्योंकि हमें बहुत से ऐसा रिकॉर्ड हासिल करना है या जवाब लेने हैं जो आसिफ जरदारी फिलहाल हमारे नोटिस पर नहीं दे रहे। और यही हुआ कि अभी तक आसिफ जरदारी को 3 नोटिस, कॉल अप नोटिस मिले जिसमें पार्कलैंड कंपनी का है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का है और तोशा खाने से जो गाड़ियां हासिल की थी उन्होंने, जो मुख्तलिफ जो दीगर मुल्कों से उन्हें
उन्हें तोहफे तहाइफ मिलते रहे वो उन्होंने मामूली सी रकम देकर हासिल किए। ये तीन केसेस में कॉल ऑफ नोटिसेस हुए हैं। इन तीनों केसेस में नैब का ये मौकफ है कि हमें मजीद एविडेंस चाहिए, हमने आसिफ जरदारी को हिरासत में लेकर उनका बयान कलमबंद करना है, रिकॉर्ड हासिल करना है। और चौथा जो केस है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, जो बैंकिंग कोर्ट कराची से शिफ्ट हुआ है, उस केस में नैब ने यह फैसला किया कि हम जिम्नी रेफरेंस दायर करेंगे, क्योंकि पहला रेफरेंस तो एफ आई ए ने फाइल किया था। तो जो उस केस में जिम्नी रेफरेंस दायर करेंगे उसमें भी आसिफ अली जरदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आमिर बहुत शुक्रिया सर। ये तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये तो आसानी से निकलने वाले नहीं इस मुश्किल से आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि जे आई टी की जो रिपोर्ट थी उसमें तो 16 मामला थे, अभी तो 4 के रेफरेंसेस बने हैं, अभी तो ये स्पी में शायद रहे वो। और ये जो ये तो बड़ा एक अहमकाना तस्वुर है कि हमें गिरफ्तार करना चाहिए तब एविडेंस कलेक्ट होगा। क्या तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं? क्या जरदारी साहब अगर कोऑपरेटिंग कर रहे, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो गिरफ्तार कर लिया जाए तब भी नहीं देंगे? ये उनकी मर्जी। अगर सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रेफरेंस दायर कर दें आप। यानी आप नहीं, सवाल ये है कि गिरफ्तारी क्यों मतलूब है, क्या करना चाहते हैं आप? ठीक, ये तो आप इसका मतलब ये है कि आप उनके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं गिरफ्तार करके। तो कहते हैं एविडेंस जो होता है ना, अगर आपके पास एविडेंस है रेफरेंस फाइल करें, वो तो रहे ना बहरहाल खैर सल्लाह और मुकदमा लड़े। मेरा देखिए, गिरफ्तारी तो जो सियासतदान है ना उनकी गिरफ्तारी तो कम से कम होनी चाहिए। क्यों? इसलिए वो उससे एक जज्बात मुश्तहिल होते हैं, एक दूसरी फजा पैदा होती है। गिरफ्तारी का तो कोई महल है ही नहीं। आप मुकदमा चलाएं, सजा दलवाएं, अगर आपका मुकदमा ठीक है तो सजा दलवा दें। नवाज शरीफ साहब पर भी रेफरेंस चला इसी तरह, ठीक हो गया और वो गिरफ्तार नहीं हुए। एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम अभी, बाबर अवान साहब पर चल रहा है, गिरफ्तार नहीं हुए। वो उसमें भी बड़ा अहम स्टेटमेंट आ जाएगी कि वो जो गवाह थे उन्होंने कहा जी कि जब ये वज़ीर कानून थे तो इस सिलसिले में कोई समरी गई नहीं थी इनके पास। बहरहाल ये एक और मौजूद, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे। हमने कल भी मौजूद छोड़ा था, बात कर नहीं पाए थे कि अहले लाहौर ने ये रेस्क्यू जो 15 की सर्विस है पुलिस की, उसको मजाक बना रखा है। और इससे पहले जो रेस्क्यू 112 था उसके साथ भी उन्होंने ये मजाक किया। अक्सर कॉलें बोगस होती हैं, मजाक पर मबनी होती हैं, जिससे वक्त का ज़िया होता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक बर वक्त मदद नहीं पहुंच पाती। और साथ हर कुल का जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज चूंकि हमने थरकोल पावर प्रोजेक्ट का जिक्र किया तो बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान जहां पे अपने मुखालफों को लताड़ा और बताया कि उन्होंने कैसे नया पाकिस्तान बनाया, थरकोल की सूरत में बिजली फ्री दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, 660 मेगावाट मिलेगी यहां से बिजली पैदा होगी। बिजली फ्री तो उस इलाके को देंगे ना, वहाँ रहने वाले लोगों, मुल्क के लोगों को वहाँ रहने वाले लोगों को जो वहाँ रहते हैं। तो साथ में उन्होंने जिक्र किया बार बार अपनी तकरीर में 10 अप्रैल का, आज का दिन अहमियत का हामिल। शुरू में भी शामिल साहब जिक्र कर चुके क्योंकि आज दस्तूर मंजूर हुआ था 1973 का, तो इस दिन की अहमियत, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की अहमियत, क्योंकि चंद रोज़ पहले भी मैंने जिक्र किया प्रोग्राम में और हम देख रहे हैं उसका तसलसल सोशल मीडिया पे कि निज़ाम बदलो, पाकिस्तान बदलो और सदारती इस्लामी निज़ाम लेके आया जाए। तो 10 अप्रैल 73 का आइन और फिर ये बहस। शामी साहब, इस वक्त तो मैं इस बारे में कोई नहीं, हमारे पास पूरा चंक है, हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, तफसील टाइम है, कोई मेरी मूड नहीं है इस पर। वजह बस चले, मैं आपको आगे ले चलता हूं और बात करते हैं बिलावल भुट्टो की तकरीर की, वो देखे क्या कहते हैं। ये होता है नया थर, ये होता है नया पाकिस्तान। दूसरे बात करते हैं, आपका हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करके दिखाया है। इसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स, और ये होता है तब्दीली। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। हम किसी और के मंसूबे पे जाकर अपना तख्ता नहीं डालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम 200 डैम्स बनाएंगे, उन डैम से बिजली होगा। पिछले 5 साल से 1 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारा नेशनल ग्रिड को ऐड। ये थे जी थरकोल पावर प्लेट पर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कहते हैं नया पाकिस्तान है, 200 डैम बनाने के दावेदारों ने अब तक 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। 10 साल लगे हैं इस मंसूबे में, यानी थरकोल जो है उसके बारे में, यानी उससे बिजली पैदा करने का मामला जो है, और इसमें 12,000 टन रोज कोयला इस्तेमाल होगा और इसमें 660 मेगावाट बिजली पैदा होगी। जून तक मेरा ख्याल उसकी हो जाएगी प्रोडक्शन फुल। और इसमें यहाँ जो टोटल है 175 अरब टन
इसके ज़खायर हैं और 50 साल तक आप बिजली यहाँ से पैदा कर सकते हैं। और दूसरा मनसूबा ये है कि यहाँ से गैस पैदा की जाए इस कोयले से LNG, और वो फिर गैस जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को फराहम की जाए। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और ये एंग्रो के साथ सिंध गवर्नमेंट का पार्टनरशिप है, और इसमें ये जो हिस्सा है CPEC का, चाइना की टेक्नोलॉजी है, चाइना की सपोर्ट है, और चाइना की मदद के साथ ये मनसूबा जो है वो पाया तकमील को पहुंचा है। आप इस्लामाबाद गए हुए थे, वहाँ से कोई खैर खबर लेके आए? ये वहाँ मैंने एक ये खबर सुनी वहाँ कि एक वजीर हैं, उनकी क्लास ली जा रही थी। किस वजह से? उनके बारे में, ये जो शहजाद अकबर साहब हैं, उनके जिम्मे लगाया वजीर आजम ने कि वो उसकी तहकीकात करें। उनके बारे में शिकायत मौसूल हुई थी और यानी करप्शन की, और वो उसकी समाप्त हो रही थी, और जो शिकायत कुनंदगान है वो भी मौजूद थे और जवाब देने वाले भी मौजूद थे। तो मुझे एक आमने सामने अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये पता चलेगा, लेकिन जब मैं वहाँ से रवाना हुआ हूँ तो मुझे ये खबर मिली कि ये काम इस तरीके से हो रहा है। ये भी शायद अपनी नौयत की ऐसी मिसाल वाहिद होगी कि जिस तरह एक वजीर जो है उसकी इस तरह से क्लास ली जाए और उसको जवाब दे और मामले को डंप नहीं किया जा रहा। नहीं, ठीक, चलें। प्रोग्राम वक्त नाज़रीन ख़त्म होते, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।